अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद नासिर अली और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल गीक। दोस्तों, आज हम SES 12 के बारे में बात करेंगे क्योंकि आज 17 दिसंबर है। तो दोस्तों, वीडियो पर जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल गीक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, वीडियो की तरफ आते हैं। तो दोस्तों, बात ये ऑलरेडी पहले काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं कि 17 दिसंबर को NSS 6, जो कि 95 डिग्री ईस्ट पर चल रहा है, जिस पर डिश टीवी 95 के चैनल्स आते हैं, वो 17 दिसंबर को एक्सपायर हो रहा है। क्यों एक्सपायर हो रहा है? क्योंकि ये NSS 6 की जो लाइफ टाइम थी वो 15 साल थी और 15 साल उसके पूरे हो चुके हैं। तो उसको रिप्लेस करेगा SES 12 सेटेलाइट। तो इसकी डिश सेटिंग कैसे करनी है, इस पर कितने चैनल होंगे, फ्री टू एयर भी होंगे या नहीं होंगे, और इस पर सी लाइन चलेगी या नहीं, इन सब चीज़ों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो डेट थी 17 दिसंबर थी, आज 17 दिसंबर है। तो देखिए कि ये कब तक रिप्लेस होता है। जैसे ही ये रिप्लेस होगा, SES 12 सर्विस स्टार्ट करेगा, तो आपको सबसे पहले ट्यूटोरियल की चैनल से इसकी अपडेट मिल जाएगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डिश सेटिंग की। तो दोस्तों, आपको डिश सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो SES 12 सेटेलाइट होगी, ये 95 डिग्री पर ही होगी। जहाँ पर आपने NSS 6 को सेट किया हुआ है, वहीं पे SES 12 स्टार्ट होगी। उसकी वेबसाइट पर जाके अगर आप उसके पैरामीटर्स देखें डिश एंटीना के, तो वही डिग्री है जो कि NSS 6 की है, 95 डिग्री। तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि NSS 6 जहाँ सेट थी, हमने SES 12 को वहीं पे सेट करना है या डिश एंटीना को हमने सेट करना है। तो आपको डिश एंटीना को सेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सर्विसेज वहीं से स्टार्ट होंगी जहाँ पर NSS 6 आपकी सेट है। तो दोस्तों, उसके बाद बात हो करते हैं कि कितने चैनल्स होंगे। तो दोस्तों, फ़िलहाल जहाँ तक हम इंफॉर्मेशन मिली है, इस पर तकरीबन 1000 से ज़ायद चैनल्स होंगे, जिनमें काफ़ी सारे फ्री टू एयर न्यू चैनल्स भी होंगे। फ़िलहाल तो आपको ड्यूटी फ्री डिश पर कुछ चैनल देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि SES 12 पर आपको 1000 से ज़ायद चैनल मिलेंगे, जिनमें काफ़ी सारे न्यू चैनल फ्री टू एयर भी होंगे। तो दोस्तों, SES 12 जो सेटेलाइट है, अगेन मैं आपको बता दूं कि ये उसी जगह पर सेट होगी जहाँ पर आपकी NSS 6 डिश टीवी 95 ईस्ट सेट है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सी लाइन की। काफ़ी सारे दोस्त पूछते हैं कि जब NSS 6 की लाइफ ख़त्म हो जाएगी, SES 12 स्टार्ट हो जाएगी, तो क्या उस पर सी लाइन वर्क करेगी? तो दोस्तों, इसके बारे में फ़िलहाल तो हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि कुछ कंफर्म नहीं है। ये तो जब SES 12 सेटेलाइट आज 17 दिसंबर आज 12 बजे तकरीबन ये रिप्लेस करेगी NSS 6 को, तो उसके बाद ही इसका हम कुछ कंफर्म कह सकते हैं। तो काफ़ी सारे दोस्त इसके बारे में मैसेज में कमेंट में पूछ रहे हैं कि SES 12 सेटेलाइट जब स्टार्ट होगी तो उसमें हमारे पास सी लाइन वर्क करेगी या नहीं, क्योंकि डिश टीवी 95 के जितने भी पेड चैनल हैं वो आप सी लाइन की मदद से देख सकते हैं। लेकिन अभी क्योंकि डिश टीवी 95 की जो सेटेलाइट है NSS 6, वो रिप्लेस हो रही है SES 12 से, तो इसीलिए अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि उसका क्या सिस्टम उन्होंने रखा है बैक पे, तो उसकी पर लाइन चलेगी या नहीं। लेकिन इसके बारे में जैसे ही ये सर्विस स्टार्ट होगी तो हम टेस्ट करेंगे, तो हम इसकी फ़ौरन हमारे जितने भी सब्सक्राइबर या व्यूअर्स हैं उनको हम अपडेट दे देंगे। तो दोस्तों, SES 12 सेटेलाइट आज 12 बजे स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि 17 दिसंबर डेट इसकी बताई जा रही है। आप इंटरनेट से ख़ुद भी चेक कर सकते हैं, जिन लोगों को कुछ कन्फ्यूजन है कि SES 12 कब स्टार्ट हो रही है। आज लास्ट डेट है NSS 6 की, तो 12 बजे ये सबसे स्टार्ट कर देगी। तो जैसे ही चैनल आने स्टार्ट होंगे, जैसे भी कोई न्यू अपडेट होगी SES 12 की, तो सबसे पहले आपको ट्यूटोरियल गीक चैनल से मिलेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, किसी चीज़ की समझ ना आए कमेंट कीजिए, और अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल गीक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जो भी लेटेस्ट वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।